नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत सरकार की सरकार में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने संबोधित किया। आपको बता दें कि इस बैठक में भारत के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने व पार्टी के समस्त सांसदों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का आगामी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, क्या उद्देश्य रहा है? यहाँ पे पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं, मेन बॉडी के अध्यक्ष आए हुए हैं, कुछ विंग्स के भी लीडर्स आए हुए हैं। सिर्फ इतने लोगों में हॉल भर गया था। अभी हम पूरे लोगों को बुलाते तो जगह नहीं मिलती थी, तो इसीलिए हमने लिमिटेशन के हिसाब से प्लानिंग किया, और जितना सोचे जितना आएंगे उससे ज़्यादा ही आए। तो इससे मैसेज जाता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कि विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड पूरी भारत में द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ये बन रही है। अभी हम इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, जैसे कि गठबंधन में हम और पुनः 2024 में मोदी सरकार की फुल प्रयास करेंगे, वही आएंगे। जैसे कि हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है, वो सच ही बोल रहे हैं। उस क्या है 2024, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं है, सच बोलना। तो आगामी 2024 को लेकर क्या जो है नीति बनाई जा रही है पार्टी की? अभी तो फिलहाल पार्टी की संगठन मजबूत किया जा रहा है ताकि इलेक्शन में लड़ सके या सपोर्ट कर सके, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे जहाँ पे लड़ना है या हमें सपोर्ट करना है। तो फिलहाल हम जैसे कि विस्तार कर रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि हर स्टेट से लोग आए हुए थे। प्रीतपाल जी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने संख्या में लोग उपस्थित हुए और कहां कहां से लोग आए? जी देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी 17 तारीख। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी जो केंद्रीय मंत्री हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने अपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों को निमंत्रण दिया था, और उसमें अदर विंग्स भी आए थे। इसमें सिर्फ राष्ट्रीय लेवल के ही बंदे इसलिए बुलाए गए थे क्योंकि हमारी पार्टी का इस लेवल तक बस विस्तार हो रहा है कि अगर हम सबको बुलाते तो शायद दिल्ली में जगह कम पड़ जाती लोगों के आने के लिए। इसी वजह से हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, और आज उसी विस्तार का एक रूप था कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है उसके लिए हमें मोदी जी को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे विजयी बनाना है, और कैसे अगले प्रधानमंत्री उनको ही बनाना है, और जब तक हम रहेंगे तब तक मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। आज हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समिति की बैठक रखी गई थी यहाँ पे। इस बैठक से यह सिद्ध हुआ कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस समय देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो है राजनीतिक दल है, और हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है, जैसे कि सभी पार्टियों में प्रकोष्ठ होते हैं, एक मेन होता है, एक युवा होता है, एक दूसरा होता है, यहाँ सारे प्रकोष्ठ एक दूसरे का मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ में काम करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण हम लोग साथ में खड़े हैं। मैं मेन बॉडी से हूँ, ये हमारे जो है युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे युवा के महासचिव हैं, हम लोग सब लोग एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के पार्टी के कामों को कर रहे हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति बहुत बड़ा जनाधार है, जिसको अब तक कैश नहीं किया गया था, जिसको अब तक साथ जोड़ा नहीं गया था, जिसको अब तक पहचाना नहीं गया था। तो हम सब लोग मिल के जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में हमारा जनाधार है, जहाँ जहाँ लोग हमारी भावनाओं से, हमारी नीतियों से, रामविलास पासवान जी की बातों से सहमति रखते हैं, वहाँ उन लोगों को साथ जोड़ के हम लोग पार्टी के कार्यक्रमों को और उनकी नीतियों को और आगे बढ़ाएंगे, देश को और आगे लेके जाएंगे, और भाजपा का समर्थन हमेशा करते रहेंगे, और हमेशा ये चाहेंगे मोदी जी और या उनके जैसा ही प्रधानमंत्री हमेशा जो है शीर्ष पद पर बैठे। देखिए, पूरे भारत से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, पूरे जिलों से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेके बैठक की गई है, और सभी कार्यकर्ता
यहाँ पे उपस्थित हैं और इसी को लेके पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के विपक्ष में ये बैठक की जा रही है। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पशुपति पार्वती जी को सुनने के लिए यहाँ पे काफ़ी अवस्था में लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी भीड़, आपने भी देखी होगी, काफ़ी भीड़ लगी हुई है और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बहुत ही जिलों से बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े सांसद यहाँ पे उपस्थित हैं और पार्टी के लिए यहाँ पे उस्तार विचार करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। कॉन्स्टिट्यूट क्लब के अंदर आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और कार्यक्रम को यहाँ पे बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पशुपति कुमार भारत जी।